अंतर्गत चंदला के वार्ड क्रमांक 7 में शासकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापिका की भूमिका सवालों के घेरे में है। वहीं शाला अध्यक्ष ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाकर निर्माण कार्य की जांच की मांग को सीईओ से की है। मेरे साथ में सर धोखाधड़ी हुई है। कैसी धोखाधड़ी? बैंक खाते की। किसने की? मैं प्राइमरी स्कूल का अध्यक्ष हूँ, कन्या शाला चंदला का। ना ही मुझे कभी बताया गया है कि आपका बैंक में ज्वाइंट खाता है, ना ही कभी कुछ कार्य में पूछा गया है। सर स्कूल में जब बिल्डिंग बन रही है तब मुझे पता चला है। आपको कैसे पता पड़ा कि आपका बैंक में ज्वाइंट खाता खुला है? जब वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि आपका नाम लेके चेक में लिख के खाते से रुपया निकाला जा रहा है। और मैडम ने मेरे नाम से मुझे जानकारी मिली है कि बैंक में फर्जी खाता खोलकर नवीन शाला भवन का जो निर्माण हो रहा है उसमें मेरे फर्जी हस्ताक्षर करके खाता भी खोला गया है और फर्जी हस्ताक्षर करके भुगतान भी किया गया और मैं उस वार्ड का पार्षद भी हूँ। मोहल्ले के लोगों में आक्रोश है। बिल्डिंग इतनी घटिया बनाई गई है कि जो प्लिंथ बीम में 6-6 सरिया लगना चाहिए उसमें केवल 4 सरिया लगाई गई हैं। पुरानी बिल्डिंग थी जो भगौना माली ने कन्या प्राइमरी शाला को दान किया था, उसकी जांच कराई जाए खुदवा करके। और यदि ऐसा नहीं निकलेगा तो जो भी व्यय होगा मैं एफिडेविट देने को तैयार हूँ, मोहल्ले के लोग एफिडेविट देने को तैयार हैं। जो भी व्यय होगा बिल्डिंग का 12,76,000 रुपया मैं स्वयं देने के लिए तैयार। ग्वालियर जिला पंचायत का एक